अल्लाह लेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं मैं बच्चों के लिए सैनमन फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ है ये सिंपल जैसे हम सिंपल बनाते हैं जस्ट मैंने इसमें सिनामन और वनीला एस्ट्रैक्ट यूज़ किया है। और ब्रैश ब्रेड यूज़ किया है क्योंकि मेरे बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं उन्हें पैन वाली फीलिंग आती है तो सीनामैन और वनीला का जो टेस्ट है इसको और यमी बना देता है ये न्यूच्रेला मेरी होम मेड है मैं वो यूज़ कर रही हूँ तो मैं आने वाले अपने व्लॉग्स में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और न्यूचरेला फ्रेंच दोस्त तो की रेसिपी भी शेयर करूँगी वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं तो मैं ये स्ट्रॉबरीज़ सीज़न चल रहा है आजकल तो स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे कट करके मैं बॉक्स में रख देती हूँ ताकि जब बच्चों को सर्व करनी हो तो ईज़ी होता है यह मैं अपने बेचे के लिए स्लाइस रेडी कर रही हूँ बड़े उसको ब्लूबेरीस अच्छी नहीं लगती उस स्ट्रॉबेरी और बनाना और मैंगो पसंद है तो मैंगो मैं भूल गई थी इवन के मैंने इसमें ऐड करना था वो बॉक्स मेरा फ्रिज में ही रह गया टोस्ट के साथ मैं उनको शेक बना के दे रही हूँ जिसमें मैंगो बनाना और स्ट्रॉबेरी मैंने ऐड किया और शुगर बिल्कुल ऐड नहीं की अब है मेरी और सिस्टर की ब्रेकफास्ट करने के लिए तो हम बना रहे हैं कैडो पराठा एक्चुअली बच्चों के लिए रेडी करती हूँ तो आज मेरा खुद दिल कर रहा था इसमें मैंने अजवाइन सीड्स रेड चिली ज़ीरा पाउडर फ्रेश सोल, चाट मसाला चिली फ्लेक्स और ड्राई मेथी ऐड किया ये स्पाइसिस में और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है बच्चे तो मेरे एवाकेडो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो मुझे समझ नहीं आ रही थी फिर मुझे टेक्निक आई बचपन में जैसे उनको हर चीज़ ब्लेंड करके खिला देती थी तो अब ऐसे मैं इनको इसमें डाल के खिला देती हूँ पराठे में और उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें एवाकेडो है कि नहीं खैर मैंने हाफ़ कप ओट्स का आटा लिया और फिर इसमें मैंने पालक धनिया मिंट स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन चिली वो ऐड किया और एक कप मैंने मकई का आटा लिया और जो मैंने चीज़ें ब्लेंड की थी वो इसमें ऐड कर दिया और इसमें आपने वाटर ऐड करना है ताकि ये लिक्विड वाला बन जाए इससे बहुत सॉफ्ट और अच्छी रोटी रेडी होती है लेकिन क्या हुआ कि मैं अंदर बच्चों के साथ बिजी थी उनको ब्रेकफास्ट करवाने में सिस्टर ने इसमें व्हीट फ्लोर भी ऐड कर दिया और उसको डो बना दिया वो समझी कि ऐसे बनाना है उन्हें नहीं पता था कि मैंने लिक्विड ही यूज़ करना है डो को जब तक फ्रिज में रखा तो सिस्टर ने जूस बना लिया और हमें भूख लगी हुई थी तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई और जल्दी जल्दी बस मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनाना तो बस वो एक शॉट ले लिया ये सिस्टर ने अपने लिए पता नहीं क्या ग्रीन चटनी बनाई है मुझे योगर्ट के साथ खाना अच्छा लगता है हम सिटी से थर्टी फाइव मिनट्स की ड्राइव पे बहियाँ आए हैं आंटी के घर ये हमारी फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था एक्चुअली उन्होंने हमें लंच के लिए इनवाइट किया था लेकिन पहुंचते पहुंचते हमारा डिनर हो गया डिनर करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर वीकेंड में डेयर की बैक साइड पर मॉल है तो यहाँ पे मिनी मार्केट लगती है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हैं वहाँ करने के लिए बस फिर क्या था बच्चों के कानों तक बात आई तो उन्होंने बैठने ही नहीं दिया और कहने लगे कि हमें ले कर चलें यहाँ आए तो देखा कि वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा था सब कुछ बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी मिनी ज़ू बना हुआ था और मेरे बच्चे तो पेट्स लवर हैं मतलब जहाँ पे भी वो देखें वो बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स थी बहुत चीप थी मैंने मीनस के अब तक इतनी चीप वेजिटेबल कभी नहीं पाए कि आंटी ने बताया कि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक है जिसकी वजह से ये चीप भी हैं और फ्रेश आती हैं डेली पे क्या होना था मेरी हाउस वाइफ वाली फीलिंग्स आ गई और मैंने वेजिटेबल्स बाय करना स्टार्ट कर दी और मैं वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा बिजी गई बाय करने में और मैंने ऑर्गेनिक एग भी बाय किए मीन्स देसी अंडे ये सब वीडियोस मेरी सिस्टर ने बनाई है मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि अगले दिन घर में आके सुबह पता चला कि मेरी गोल्ड की रिंग लॉस्ट हो गई है गुम हो गई है तो खैर मैंने ज़्यादा सर पर टेंशन नहीं ली लेकिन मेरी सिस्टर ने पाकिस्तानी होने का प्रूफ दिया और अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया कि रिंग घूम गई है अल्हम्दुलिल्लाह हूँ तो मैं भी पाकिस्तानी लेकिन मैंने उन्हें कहा प्लीज़ आप इतनी टेंशन ना लें इट्स ओके जो था किस्मत में वैसा ही हो गया और बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया मेरी कज़न भी यहाँ पे रहती हैं उन्होंने भी इनवाइट किया हुआ था इसके बाद हमने उधर भी जाना था तो बच्चों ने ये टिकट्स ले ली थी मैं वेजिटेबल में बिजी थी तो सिस्टर ने टिकट्स बाई कर ली लाइक फिफ्टी दरहम पे करें ईच और आप यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं अदरवाइज़ ट्वेंटी दरहम मीन्स ईच एक्टिविटी का ऐसे एक्सपेंसिव हो जाना था तो ये फिफ्टी दरहम वाला अच्छा है और यहाँ पे बहुत अच्छा मीन्स के उन्होंने बैठने के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ था बच्चे फुल इंजॉय कर रहे थे और उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे जाने से लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलते हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं और सिस्टर ने बताया कि उनकी टू टाइम्स कॉल भी आ गई हैं फिर जल्दी से यहाँ से फ्री होके उधर चले गए उन्होंने भी हमारे लिए डिनर का ही अरेंजमेंट किया हुआ था Uh, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय अल्लाह हाफि अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें